हेलो गाइस, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कार की जो हेडलाइट है ये काफ़ी डल हो चुकी है, इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है एंड इसके ऊपर काफ़ी मार्क्स भी हैं एज़ कम्पेरेटिवली इसकी दूसरी हेडलाइट से, जिसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है जो अभी लाइट दिखाई थी उससे। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी कार की हेडलाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे भी क्लियरिटी को किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस हेडलाइट को हम रिस्टोर करेंगे एंड जितने भी इसके मार्क्स हैं ये सब रिमूव करेंगे हम। एंड आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से हम करते हैं। मैं इसको निकाल के ऊपर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं अपनी कार की जो हेडलाइट है उसको मैं नीचे से निकाल के ऊपर लेके आ चुका हूँ। नीचे से निकाल के ऊपर इसलिए लेकर के आया हूँ बिकॉज नीचे गली जाती है तो काफ़ी साउंड होता है एंड वीडियो भी ठीक से नहीं बन पाती। तो मैं कार लाइट को नीचे से कार से निकाल के टेरिस पर ले आया हूँ। अब इसको हम सबसे पहले वेट सैंडिंग करेंगे, ठीक है। आपको पास से दिखाता हूँ इसकी कंडीशन का। सो इसको हम सेंडिंग करेंगे अलग अलग सैंड पेपर से, वो भी आपको बताऊंगा कौन से नंबर के सैंड पेपर हम यूज करेंगे। इसके ऊपर मैं गाइस मेरी लाइट जो है ऊपर से काफी स्क्रेचेस पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं 320 नंबर का सैंड पेपर यूज करूंगा। ये 320 नंबर का वेट एंड ड्राई सैंड पेपर है, 320। सो मैं इसको यूज करूंगा, ये 3M कंपनी का है। सो 320 पहले मैं इसको यूज करूंगा। इसको ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम सैंडिंग करेंगे तो हमें जो सैंडिंग है वो रोटेशनल ना होकर या फिर जिगजैग ना होकर एक ही डायरेक्शन में, जैसे मैं डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो मैं पूरी हेडलाइट डिजाइन इसी डायरेक्शन में करूँ। बस देखिए मैं इसको सैंडिंग कर रहा हूँ, तो ये ऊपर आपको इसकी जो व्हाइट लेयर दिख रही होगी ये ऑक्सीडाइज लेयर है जो कार की जो हेडलाइट है उसकी क्लियरिटी को ब्लॉक करता है। तो ये सैंडिंग करने से ये हट रहा है, हमें इसको लाइट हैंड से सैंडिंग करनी है। इसको कंप्लीट करके फिर दिखाता हूँ आपको कि कौन से सैंड पेपर हम नेक्स्ट यूज करेंगे। मैं इसको कर चुका हूँ 320 नंबर के सैंड पेपर से। अब इसके ऊपर हम एक रेड ऊपर के सैंड पेपर से करेंगे, 500 600। आपको दिखाता हूँ, अब पास से देखिए यार थोड़ा फेड हेजी लुक आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम फाइन सैंड पेपर से इसको क्लियर करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। तो ये 600 ग्रिड का पेपर है, इसको यूज करूंगा मैं अब 320 ग्रिड के पेपर के बाद। सेम उस तरीके से यूज करना जिस तरीके से मैंने 320 ग्रिड। इस ग्रेड को यूज करने का बेनिफिट ये होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ग्रेड यूज करते रहेंगे, जैसे ऊपर की ग्रेड के सैंड पेपर हम यूज करेंगे जो हमने स्मॉलर ग्रेड के सैंड पेपर से यूज करके सैंडिंग करी थी, उससे जो भी स्ट्रेचेस होते हैं माइनर स्ट्रेचेस वो ये ऊपर की ग्रेड के सैंड पेपर को मिटाते जाएंगे, इवन करते जाएंगे। सेम स्टेप 320 से करना, करने के बाद 600 से करना, 600 के बाद मैं इसको यूज करूंगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको कट करके सीधा इन दोनों की सैंडिंग के बाद के रिजल्ट दिखाता हूँ। सैंडिंग की मैं इस वक्त 2000 ग्रिड के सैंड पेपर से फाइनल सैंडिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको फाइनल सैंडिंग करेंगे एंड करेंगे तो आपको जो पहले हेजीनेस थी वो वाटर डालने के बाद दिख रही थी वो अब नहीं दिखेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सैंडिंग करना है।
इसको मैं सेंडिंग कर चुका हूँ, पहले 320 नंबर के सैंड पेपर से की, फिर मैंने 600 ग्रेड के सैंड पेपर से की, फिर मैंने 1000 ग्रेड के सैंड पेपर से की, एंड लास्ट में 2000 ग्रेड के सैंड पेपर से मैंने इसकी सेंडिंग की। सेंडिंग स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कम्प्लीटली वाइप ऑफ करके इसके ऊपर हम क्लियर कोट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसके ऊपर क्लियर कोट करेंगे। सो भाई सबसे पहले हम क्लियर कोट को प्रिपेयर करेंगे अपनी, जो कि हमें हेडलाइट के ऊपर में पेंट करना है। तो इस क्लियर कोट के लिए मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ कि क्लियर कोट टू के क्लियर कोट में यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्लियर कोट में पार्ट 800 ml, पार्ट बी 200 ml, मीन्स 1:4 का रेशियो में रखना है। क्लियर कोट का पार्ट ए, तो गाइस ये 20 ml का सिरिंज मैंने फिल कर लिया है पार्ट ए से। मैं पार्ट भी लूंगा, मैंने तकरीबन 40 ml अपना पेंट ले लिया है। तो पार्ट बी भी मैं निकाल चुका हूँ, इसके अंदर में तकरीबन पार्ट ए इसके अंदर मैंने 40 ml डाला है, पार्ट ए डाला है, तो इसके अंदर 10 ml ही मैं डालूंगा पार्टनर को। अब इसके अंदर में हम डालेंगे थिनर। ये रहा हमारा थिनर, मैं इसको अंदाजे से डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर और थिनर नहीं डालते। सो गाइस जो क्लियर कोट है वो मैंने इस मशीन के अंदर डाल दिया है, तो अब इस मशीन की हेल्प से हम लाइट के ऊपर अपनी क्लियर कोट करेंगे, पूरी बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन करेंगे पहले, आपको दिखाता हूँ पास से मैं। एक कोट में भी काफी क्लियरिटी आ गई है, लेकिन इसके ऊपर हम दो या फिर तीन क्लियर कोट करेंगे, एंड आपको यहाँ से दिखाता हूँ कोट में। देखिए अब 5 से 10 मिनट बाद वेट करने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा कोट करेंगे। सो गाइस इसके ऊपर मैं दो कोट कर चुका हूँ। एक्चुअली सेकंड कोट की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बिकॉज जैसे ही मैं सेकंड कोट करने लगा इस पर तभी एकदम से बारिश आ गई। सो मेरे को इसको उठा के अंदर रखना पड़ा, एंड बारिश के जाने के बाद जैसे लगा थोड़ी सी बारिश रुक गई, तब मैंने इसके ऊपर सेकंड कोट कर दिया। सो आप देख सकते हैं सेकंड कोट के बाद में लाइट एकदम न्यू जैसी हो गई। इसके ऊपर मैं थर्ड कोट भी आप कर सकते हैं अगर आप फिनिशिंग से सेटिस्फाइड नहीं है तो। बाकी मैं एक कोट करते हुए आपको दिखा देता हूँ थर्ड कोट किस तरीके से करनी है, एंड इसके बाद में इसको सूखने के बाद हम गाड़ी में वापस, इसको सूखने के बाद गाड़ी में वापस फिट करेंगे इसको, एंड उसके 6
6 से 7 दिन के बाद इसके ऊपर हम रबिंग कंपाउंड से इसकी बफिंग करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो भी ऑरेंज पील जैसे मार्क्स होंगे वो रिमूव हो जाए, या जो भी डस्ट होगा इसके ऊपर वो रिमूव हो जाए। तो हो सका तो उसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसके ऊपर अब थर्ड कोट करते हैं, इसके ऊपर एक हाथ से पेंट करते हैं। एक्चुअली मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज बारिश कभी भी आ सकती है। इसको हम इस डायरेक्शन को आपने देखा सेकंड कोट एंड थर्ड कोट में भी मेरे को काफी दिक्कतें आई पेंट इस क्लियर कोट के पेंट को इसके ऊपर करने में, लेकिन फाइनली हमने कर लिया है एंड जो हमारा रिजल्ट है वो भी काफी फार बेटर रिजल्ट है। एंड आपको जो यहाँ से ब्लर दिख रहा है एक्चुअली ये लाइट अंदर से खराब है, यहाँ से अंदर से लाइट यहाँ से खराब है एंड यहाँ से देखिए आप ये अंदर से खराब है। सो हमारा रिजल्ट है वो एकदम A1 क्वालिटी का रिजल्ट है। गाइस हमने जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर अचीव किया है। सो इस लाइट को थोड़ी देर सूखने देते हैं। इसको सूखने के बाद में 1 से 2 घंटे के बाद में मैं इसको कार में वापस फिट करूँगा एंड उसके बाद में आपको फाइनल क्लिप दिखाता हूँ जो कि मैंने गाड़ी की वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाई दी कि लाइट का क्या डिफरेंस था क्वालिटी वाइज क्लियरिटी वाइज, वो आपको दिखाई देगा लास्ट में डालता हूँ मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस अब देखिए इसको, अब जो ये वाली इधर से देखिए इसको भी हम ठीक करेंगे लेकिन अभी नहीं बाद में। सो गाइस जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे आपको, तो आप भी इन प्रोडक्ट का यूज़ करके अपनी कार की हेडलाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।